हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पावर सिस्टम के एक सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उसका नाम है पावर प्लांट। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि पावर प्लांट क्या है और कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो है आपका पावर प्लांट। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करें तो इसमें इस सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है। टोटल यूनिट है 6। ठीक है, तो वन बाई वन करके हम लोग सारे यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बारे में हर एक यूनिट में जो टॉपिक है उनको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए और आप अपने एग्जाम्स में अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से और अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या हम लोग इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पावर प्लांट में जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक बार उसको देख लेते हैं, फिर वन बाई वन करके उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्यूल के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईंधन। ठीक है, तो इस पावर प्लांट के अंदर कितने तरीके का फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 तरीके के स्रोत हैं ईंधन के। एक को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। फ्यूल, FUEL। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कन्वेंशनल फ्यूल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे साइट सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट, मतलब कि कोई भी पावर प्लांट लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जगह का चुनाव करते हैं। उसके लिए उपयुक्त जगह होना चाहिए जहाँ पर हम लोग पावर प्लांट को एस्टेब्लिश कर सके। उसका फायदा ये है कि हम लोग वैसे जगह पर अगर पावर प्लांट को स्टेब्लिश करते हैं तो ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। जो पहला ही पावर प्लांट है उसका नाम है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम ब्रीफ में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें हम लोग इसका देखेंगे लेआउट। ठीक है, लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इसका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका लेआउट किस तरीके से होता है थर्मल पावर प्लांट का। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे जनरेटर के बारे में। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे बॉयलर के बारे में जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, और बॉयलर में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 तरीके का बॉयलर यूज करते हैं, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। ठीक है, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, ये बॉयलर के टाइप है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो पावर प्लांट है उसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ऐसे पूरा इसका प्रोसेस पढ़ेंगे।
कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, इसी में हम लोग देखेंगे फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, इसी में हम लोग देखेंगे रिएक्टर के बारे में कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे चैन रिएक्शन के बारे में कि चैन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये है क्या। और इसी में एक पॉइंट और है जिसको हम लोग देखेंगे कि डिस्पोज ऑफ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो एसेज होते हैं उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करें, ठीक है। अगला पावर प्लांट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे डीजल पावर प्लांट, ठीक है, और इसी तरीके से एक और पावर प्लांट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है गैस बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बारे में हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट इन बिहार। तो ये मेरा यूनिट वन का ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे कि फ्यूल कौन सा, फ्यूल कौन से हम लोग पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का फ्यूल होता है, कन्वेंशनल फ्यूल एंड नॉन कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और ऊर्जा के नॉन का मतलब होता है गैर परंपरागत स्रोत। दूसरा हम लोग देखेंगे कि किसी भी पावर प्लांट को अगर हम लोग लगाते हैं तो उसका साइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर गलत साइट सिलेक्शन हो गया तो हम लोग क्या कर, हमारे आने वाले फ्यूचर में बहुत तरीके की परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले साइट का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि किस पावर प्लांट के लिए किस तरीके का जगह का चुनाव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में, इसका लेआउट देखेंगे, इसका लेआउट कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसको अरेंज कैसे करते हैं हम लोग, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसी में हम लोग देखेंगे टर्बाइन क्या है, एक वर्ड है टर्बाइन क्यों यूज करते हैं हम लोग, जनरेटर क्या है, बॉयलर क्या है, और बॉयलर में दो तरीके के बॉयलर हम लोग देखते हैं, एक को बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरे को बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम फ्यूल का यूज करके हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। तो उस तरीके के पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये रिएक्टर क्यों यूज करते हैं हम लोग, चैन रिएक्शन क्या है, और जो भी उसके अंदर का वेस्टेज है उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डीजल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, और नेक्स्ट जो है गैस पावर प्लांट, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि बिहार के अंदर थर्मल पावर प्लांट का कंडीशन क्या है, कितने तरीके के थर्मल पावर प्लांट है और कहाँ कहाँ पे हैं, और उससे हम लोग कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे एक बेसिक सा चीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड एंड पीक लोड, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो पावर प्लांट है वो बेस लोड के लिए यूज होता है और कौन कौन से पावर प्लांट है वो पीक लोड के लिए यूज होता है। सडनली आप कभी एग्जाम में पूछते बैठते हो या कोई आपसे ऐसे वाइबा में पूछ लेता है कि थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, वो बेस लोड के लिए यूज होता है या पीक लोड के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बेस लोड के लिए यूज होता है या पीक लोड के लिए यूज होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या क्या होता है, और कौन से पावर प्लांट को इसके अंदर रखा गया है। तो ये एक आपका समरी है, ये पॉइंट्स हैं यूनिट वन के। अगर ये सारा टॉपिक अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो जो आपका यूनिट वन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है, और कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिए, तो आपको वन बाई वन करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप रेगुलर इस तरीके से ये लेक्चर देखते हो
तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इजी वे में इसको समझ सकते हो, और एक बार जब आप समझ गए तो उसको इन फ्यूचर कभी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कभी भी भूल नहीं सकते हो, और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट है टॉपिक में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 1 के अंदर। थैंक यू।